हैप्पी डे बच्चों, सैन अकेडमी पल्ली करने में आपका हार्दिक स्वागत। यह है हिंदी कक्षा, दसवीं द्वितीय भाषा के अंतर्गत हम लोग डायरी का एक पन्ना पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक सीताराम सेकसरिया। ये जो पाठ 11 जो है डायरी का पन्ना के लेखक का भाषा सरल एवं सुबोध है। अब इनके जीवनी के बारे में हम थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। श्री सीताराम सेकसरिया का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था। इन्हें विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, अतः इन्होंने स्वयं ही पढ़ना लिखना सीख लिया। इनका जन्म तो राजस्थान में हुआ, लेकिन इनका अधिकांश जीवन कोलकाता नगर में ही बीता। ये अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षा संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। ये देश की स्वतंत्रता के प्रति गंभीर थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये कुछ दिन तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। 1962 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया। 1982 में इनका निधन हो गया। अब आइए इनकी भाषा शैली पर थोड़ा हम विचार करते हैं। इनकी भाषा भावानुकूल और अभिव्यक्ति में पूर्ण सक्षम है। इनकी भाषा चित्रात्मक रोचकता एवं प्रवाहमय का गुण भी विद्यमान है। इनकी भाषा पर बंगला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ देशज शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। कहीं इनकी शैली वर्णनात्मक और विचारात्मक भी है। इस प्रकार से इनके पाठ से पूर्व हमें सीताराम सेकसरिया के बारे में हमने जाना। अब पाठ में प्रवेश करते हैं। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने जनता के दिल में भी आजादी की अलग जला दी। देश भर से लाखों लोग इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्र दिवस मनाया गया था। इस पाठ में लेखक सीताराम सेकसरिया आजादी की कामना करने वाले अनंत लोगों में से एक थे। वे दिन भर जो भी देखते, सुनते और महसूस करते उसे अपनी निजी डायरी में लिख लिया करते थे। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1930 का लेखा जोखा है। नेता सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेख सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्र दिवस जोश खरोश के साथ मनाया। अंग्रेजों ने इसे अपराध मानते हुए उन पर व महिला कार्यकर्ताओं पर अनेक जुल्म डाए। यह पाठ क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, साथ ही यह भी बताता है कि एकजुट समाज, दृढ़ संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह कर न सके। इसका मतलब ये हुआ है, असंभव कार्य को भी
संभव में बदल सकता है जब समाज एकजुट हो जाता है। असंभव कार्य भी क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। 26 जनवरी 1931 का दिन वास्तव में ऐसा दिन है, ये कलकत्ता वासियों के लिए अविस्मरणीय दिन है। आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष उसकी पहली वर्षगांठ थी, इसलिए काफी तैयारियां पहले से कर ली थी। केवल प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च हुए। उन्हें देख ऐसा लगता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते में से लोग जाते थे उसी रास्ते में जोश और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई। सारे काम का भार जो अपने ऊपर समझते थे उन्हें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर सबको समझाया था। बड़े बाजार के हर मकान पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था और कई मकान ऐसे सजाए गए थे जैसे वास्तव में आज का दिन ही अद्वितीय दिन हो, ऐसा लग रहा था। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त लगा रही थी। मोटर गाड़ियों में कोरके तथा सार्जेंट हर मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही गाड़ियों को शहर में घुमाई जा रही थी। इस प्रकार से अस्पताल गए लोगों को देखने में मालूम हुआ कि 160 लोग आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 स्त्रियां घायल जरूर हुई थी। पकड़े गए आदमियों की संख्या पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 150 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंशों में धुल गया है और लोग सोचने लग गए हैं कि यहाँ भी कुछ काम हो सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो पाठ है डायरी का पन्ना से 26 जनवरी 1931 का दिन हमें ये पाठ पढ़ा रहा है कि ऐसे कुर्बानियों के माध्यम से हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। कलकत्ता वासियों ने भी हमें ये ऐसा पाठ पढ़ाया कि हम कभी जिंदगी में उनका आभार जो है भूल नहीं सकते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए जो है बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। ऐसा काम कभी नहीं हुआ है, इसलिए कलकत्ता वासियों के लिए ये अद्वितीय दिन और अविस्मरणीय दिन रहा है। ये इस प्रकार से सीताराम सेकसरिया जी जो है अपने डायरी के पन्ने के माध्यम से वहां की घटना जो है हमें अवगत कराते हैं। धन्यवाद बच्चों।